शेर और हाथी की दोस्ती। एक जंगल में एक शेर था। शेर को बहुत भूख लग रही थी। शेर ने हिरन को देखा, उसे मारकर खाया। उस समय शेर के गले में हिरन की हड्डी फंस गई। शेर उसे निकाल नहीं पा रहा था, उसे बहुत दर्द होने लगी। शेर मदद के लिए जंगल में इधर उधर घूम रहा था। शेर को मोरनी नजर आई। शेर ने मोरनी से कहा कि मेरे गले में हड्डी फंस गई, तुम उसे निकाल दो। मोरनी ने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इस बहाने से तुम मुझे खाना चाहते हो ना, तुम यहाँ से चले जाओ। शेर मायूस होकर वहां से चला गया। इतने में उसे एक भालू नजर आया। शेर भालू के पास गया और कहने लगा, मेरे गले में हड्डी फंस गई, मेहरबानी करके उसे बाहर निकाल दो। भालू कहने लगा कि मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत नींद आ रहा है, तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारा कोई मदद नहीं कर सकता। अपना मुंह लटकाते हुए शेर वहां से आगे बढ़ा। इतने में उसे एक हाथी नजर आया। हाथी एक आम के पेड़ के नीचे था। उसे बहुत भूख लगी थी, वह आम खाना चाहता था। आम बहुत ऊंचे थे, उसका सूंड वहां तक नहीं जा रहा था। हाथी पेड़ नहीं चढ़ सकता, इसलिए हाथी बहुत मायूस हुआ। इतने में शेर ने हाथी को देखा और कहने लगा, मैं तुम्हारा मदद करूंगा, उससे पहले तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। हाथी ये सुनकर कहने लगा, मैं तुम्हारा क्या मदद कर सकता हूँ। शेर ने कहा, मेरे गले में हड्डी फंस गई है, मेहरबानी करके तुम उसे निकाल दो, फिर मैं तुम्हारा जरूर मदद करूंगा। हाथी इसके लिए राजी हो गया और अपने सूंड से शेर के गले में से हड्डी को बाहर निकाल दिया। शेर का दर्द कम हो गया, वो बहुत खुश हुआ और वो आम के पेड़ पर चढ़ गया, वहां से फल तोड़कर हाथी को देने लगा। हाथी आम के फलों को खाया, जिससे उसका भूख मिट गया और वो भी बहुत खुश हुआ। उस दिन से हाथी और शेर अच्छे दोस्त बन गए। देखा बच्चों, इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि कोई भी मुसीबत हमें बोलकर नहीं आती, इसलिए हमें सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें भी चाहिए कि मुसीबत में कब कौन काम आ जाए नहीं मालूम, इसीलिए दुश्मन को भी दोस्त बनाकर रखना चाहिए।